सब्सक्राइब कीजिए चॉकलेट गुरु को और इस घंटे के बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो तथा नोटिफिकेशन देखने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चॉकलेट गुरु में। आज हम आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताते हैं जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी की गई है, जिसका नाम है पोस्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि 28/3/2018 को विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। टोटल पोस्ट है वो 20 है। सामान्य के लिए जो पोस्ट है वो है सामान्य पुरुष के लिए 8 पोस्ट, सामान्य महिला के लिए 3 पोस्ट और सामान्य विधवा के लिए 0 और परित्यक्ता के लिए 0। सामान्य एससी के लिए पुरुष के लिए 3, सामान्य एससी महिला के लिए 0 और एसटी सामान्य पुरुष के 2 और ओबीसी सामान्य पुरुष की 3 है और ओबीसी सामान्य महिला की है 1, एमबीसी की 0 है और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 1 है। इसकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है वो एलएलबी है या फिर एमएसडब्ल्यू है, जो कि मास्टर इन सोशल वर्क एंड लॉ ग्रेजुएट। और सेकंड है वो है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड राइट रिटन इन देवनागरी और राजस्थानी कल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 80% वो प्राइम मेंबर्स थे। आयु छूट के तो दोस्तों टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 31 मार्च 2018 के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक रिचार्ज आएगा, रिचार्ज कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, इसके लिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की और राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की निःशक्त जन है उनके लिए है 10 साल की, क्योंकि सामान्य की और पिछड़ा वर्ग की और अति पिछड़ा वर्ग की है 13 साल की और अनुसूचित जाति की है 15 साल की। जिसके लिए क्वालिफिकेशन के बारे में सेक्शन जो जो आपने प्राप्त किए या प्राप्त करने वाले हैं उसके लिए एक प्रावधान है जो कि है उक्त पद की जो पद है प्रोटेक्शन ऑफिसर उनकी जो है वो या तो एमएसडब्ल्यू का जो अंतिम वर्ष है या फिर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास सप्लीमेंट्री आती है तो आप पात्रता नहीं होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए और इसका पेपर है वो जो होगा वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और आवेदन की तिथि है वो 5/4/19/4/2018 तक रहेगी और अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए SSO पर पोर्टल पर लॉगिन होकर और स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल है जो वहाँ पर सर्विस है वो चूज करनी है और इसके बाद में हम फॉर्म भर सकते हैं। विषय सूचना ये है कि यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिन के अंदर अपना है वो संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात अगर कोई संशोधन या त्रुटि रह जाती है तो संशोधन नहीं होगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।